काली प्रसाद पांडे, आज की सियासत में यह नाम आपने शायद कम सुना हो, लेकिन एक दौर था जब काली पांडे बाहुबलियों की भी बाहुबली कहे जाते थे। उत्तर भारत का हर बाहुबली काली पांडे को अपना मानिए गुरु समझता था। इनकी चर्चा गोपालगंज से लेकर दिल्ली तक हुआ करती थी, और वही काली पांडे इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव में उतरे हैं। इलाका वही है गोपालगंज जहां इनका रौब हुआ करता था, इनके नाम का खौफ हुआ करता था। काली पांडे के इस दबदबे के पीछे की इस असल कहानी क्या है, हम आपको बताते हैं इस बिहार चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। हमारे विनाश पार्टी की हैसियत क्या है? हमने इस पार्टी को जिंदा रखने के लिए क्या क्या नहीं किया? लोगों को डराया, धमकाया, उससे इस पार्टी को चंदा दिलवाया, खून किए, लूटमार की, रिगिंग की। एक भी नेता का नाम बताओ जो हमारी मदद के बिना इलेक्शन में जीता हो। 2020 के चुनाव में 80 के दशक का सबसे बड़ा बाहुबली, वो शख्स जिसे बाहुबलियों का बाहुबली कहा जाता था, जिसके नाम से पूरे उत्तर भारत में दबदबा हुआ करता था, नाम काली प्रसाद पांडे। इसी पर विचार करते हुए हम प्रस्ताव रखते हैं शहर के इज्जतदार और महान समाज सेवक श्री काली जी को ही इस क्षेत्र से खड़ा करें। श्री काली जी जिंदाबाद, श्री काली जी जिंदाबाद। इस नाम का खौफ कहे या उस दौर में रौब, 1987 में एक फिल्म आई थी प्रतिघात, जिसमें विलन का किरदार बेहद चर्चित हुआ था, नाम था काली प्रसाद। लेकिन मैं जानता हूँ कि गहने तूने ही चुराए हैं। मैं कुछ नहीं जानता सरकार। फिल्म या कहानी के तौर पर उसका काली पांडे से कोई लेना देना नहीं था, मगर उस दौर में ये खूब प्रचलित हुआ कि प्रतिघात के उस खूंखार किरदार की प्रेरणा गोपालगंज के बाहुबली काली पांडे ही थी। अगर ऐसी चर्चा थी तो इसके पीछे थी काली पांडे की हिस्ट्री शीट। नेतागिरी में काली पांडे बाहुबली की वो कहानी भले ही पुरानी है, लेकिन इस चुनाव में नए टिकट पर दोहराई जाने वाली है। कांग्रेस से आरजेडी और एलजेपी होते हुए काली प्रसाद पांडे ने फिर से पार्टी बदलते हुए कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। गोपालगंज के बाहुबली का कांग्रेस आना हुआ, मंगल गान गाए गए। माल्यार्पण हुआ और मुंह मीठा करते कराते खूब गौरव गान भी हुआ। ये एक प्रसन्नता का विषय है, गौरव का विषय है हम सबके लिए कि काली पांडे जी ने यह निर्णय लिया कि हमारे साथ अब अपना राजनीतिक सफर फिर से शुरू करना चाहते हैं। जिस मंगल गान के साथ काली पांडे के सियासत का गौरव गान हुआ, कांग्रेस में उसका पूरा पॉलिटिकल फ्लैशबैक, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री शीट के साथ हम आपको बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि मौजूदा चुनाव में काली पांडे कांग्रेस के टिकट पर आने का मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब तो गोपालगंज के ही दूसरे बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे से चुनावी टक्कर है। अमरेंद्र पांडे जेडीयू के टिकट पर 2015 के चुनाव में काली पांडे पर भारी पड़े थे। ऊंचाईकोट विधानसभा सीट पर बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ काली पांडे को हरा दिया था। वो ऊंचाईकोट सीट अब महागठबंधन के कांग्रेस के खाते में आई, यानी कांग्रेस ने काली पांडे के रूप में अपना लिया लोहे को लोहे से काटने वाला फॉर्मूला और अपने टिकट पर उतार दिया बाहुबली के खिलाफ बाहुबली। इसका असर सिर्फ कुचाईकोट सीट पर ही नहीं, बल्कि कांग्रेस को काली पांडे फैक्टर गोपालगंज जिले के साथ पूरे उत्तर भारत में दिखने की उम्मीद है। इस उम्मीद की वजह है ब्राह्मण वोट बैंक में काली पांडे की बैठ और बाहुबली छवि, जिसका दबदबा 1980 के दशक से ही पूरे देश में चर्चा का विषय था। 1980 में कुचाईकोट सीट से पहली बार निर्दलीय विधायक चुने गए काली पांडे के किस्से तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक भी पहुंचे थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब चुनाव हुए तो काली पांडे गोपालगंज लोकसभा सीट से खड़े हुए। उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी थे एस के मिश्रा जैसे सीनियर लीडर। उस साल पूरे देश में कांग्रेस के लिए गजब सहानुभूति की लहर थी।
लेकिन गोपालगंज में काली पांडे के आगे सब फीका पड़ गया। उस प्रचंड लहर में भी काली पांडे न सिर्फ जीते बल्कि एसके मिश्रा की जमानत तक जब्त हो गई। हालांकि संसद पहुंचने के बाद एक मौका ऐसा आया जब निर्दलीय काली पांडे राजीव गांधी के साथ खड़े हो गए। न जाने क्यों राजीव गांधी जी से उनका एक अट्रैक्शन था कि जो बोलते थे तो प्यार मिलता था। जिस दिन सारे अपोजिशन पार्लियामेंट में बीपी सिंह जी के नेतृत्व में रिजाइन दे रहे थे उस दिन पार्लियामेंट में मुझे गर्व होता है कि पार्लियामेंट में अकेले खड़ा होकर मैं राजीव जी का साथ दिया। 1988-89 का ये वही दौर था जब काली प्रसाद पांडे राजीव गांधी के साथ खड़े थे और अपनी सियासी छवियों में प्रतिघात वाले काली प्रसाद के गेटअप के साथ चर्चित थे। इसकी एक वजह 1989 में हुई एक बड़ी घटना भी थी। ये घटना थी गोपालगंज में काली पांडे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी नगीना राय पर पटना में बम से हमले की। इस हमले में नगीना राय तो बच गए लेकिन आरोप लगा काली पांडे पर। इसके दो साल बाद 1991 में कुचाए कोर्ट में एक बार फिर से नगीना राय पर हमला हुआ जिसमें उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसमें जो मामला दर्ज हुआ वो दर्ज हुआ काली पांडे के करीबी एक और विधायक बच्चा चौबे पर। ऐसी चर्चाओं के साथ काली पांडे का रौब और बाहुबल पूरे उत्तर भारत में बढ़ता रहा। 2015 में दिए गए चुनाव आयोग को हलफनामे के मुताबिक काली पांडे पर कुल 8 क्रिमिनल केस दर्ज है जिसमें चुनाव में अवैध भुगतान, दंगा फसाद और अवैध कब्जा, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की पिटाई, व्यक्तिगत हमले और हिंसा जैसे मामले थे। काली पांडे ने एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी की है लेकिन 1990 में काली पांडे ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। 1990 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जब सोनिया गांधी ने ऐलान किया था कि वो और उनका परिवार राजनीति में नहीं आएगा, काली पांडे ने तब दामन थामा था लालू प्रसाद यादव का और 1999 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। लेकिन केंद्र में सरकार बनी थी एनडीए की जिसके बाद उन्होंने रामविलास पासवान के साथ जाना बेहतर समझा और 2003 में वो एलजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। अभी कुछ दिन पहले तक काली पांडे की जुबान से अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नाम चिराग पासवान का आता था। अब काली पांडे तेजस्वी यादव के लिए नारा लगा रहे हैं उसी गोपालगंज जिले से जो लालू का गृह जिला है और काली पांडे के बाहुबल का पुराना साम्राज्य। जो काली पांडे कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात वो कांग्रेस में शामिल हो गए। थोड़ी देर में आपको हम दिखाएंगे इन्हीं काली पांडे का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।